नमस्कार बच्चों। ओके तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 67। ओके जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख लीजिएगा जो भी बच्चे नहीं देखे हैं शुरू से। आप शुरू से देखिएगा ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। यूं चुटकियों में आप प्रश्नों को हल करेंगे। अभी जैसा कि मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे छोटे छोटे वीडियोज में डिलीवर करेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.21 आपकी एनसीईआरटी बुक का जो पेज नंबर है ना 30 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले, ये डिफेक्ट्स पे आधारित क्वेश्चंस हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जिन आयनिक ठोसों में, आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है। स्वाभाविक सी बात है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा जहां पे यानी धनायन अधिक होंगे तभी तो होगा। जब धनायन अधिक होंगे तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है। धनायन अधिक होगा तो ऋणायन क्या होगा, कम होगा ना, यानी वहां पे क्या होगा, एनायनिक वैकेंसी जो उत्पन्न हो जाएंगे। वही कह रहा है ऋणायनिक रिक्तिका होती है, वे रंगीन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में जब आप किसी क्रिस्टल में यानी सीएल के क्रिस्टल में सोडियम का वाष्प प्रवाहित कराते हैं तो वे कलरफुल हो जाते हैं ना। वैसे आप देखते हैं यानी सीएल का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है ना, सिंपल साल्ट है। लेकिन जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा ना तो वो येलो कलर का हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, रंगीन, ठीक है। तो उसी को समझना है क्यों होता है, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हम लोग पढ़े हैं ना उसी को हम लोग समझा देते हैं, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है इंग्लिश में, आयनिक सॉलिड्स व्हिच हैव एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। ओके आइए हल करते हैं। और हाँ, चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और हाँ साथ में नोटबुक जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। देखिए मान लिया हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, ओके ये NaCl का क्रिस्टल है, ओके NaCl का क्रिस्टल है। तो जब ये आयनिक सॉलिड्स में आएंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इनमें क्रिस्टल को भर दे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ओके यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ओके यहां पर भी हम क्या करते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ओके Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ओके यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए जब NaCl के क्रिस्टल में आप क्या करेंगे, जब सोडियम का वाष्प है ना, यानी सोडियम वेपर करेंगे, Na प्लस वेपर, जब सोडियम का वाष्प आप प्रवाहित कराएंगे इसमें गर्म करके इसको, तो क्या होगा, इसमें सोडियम जो है, सोडियम क्या करेगा, अपना एक धनायन जो है वो त्याग करके, यानी Na प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये, है ना, त्याग करके ये सोडियम यानी प्लस बना लेता है, ठीक है। यहां पर अब सोडियम यानी प्लस बना लेता है तो क्या होता है, यहां पे देखिएगा जब इस NaCl के क्रिस्टल में गर्म करके आप सोडियम वेपर का वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बना लेता है, ठीक है। अब Na प्लस ये चारों तरफ इसमें क्या होगा, इस क्रिस्टल में विसरित होंगे यानी घूमते रहते हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए ये धनायन है तो चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणायन की कमी हो गई ना, यानी एनायनिक वैकेंसी जो उत्पन्न हो जाती है। अब एनायनिक वैकेंसी कैसे उत्पन्न है, ये ढूंढते ढूंढते क्या करेगा, Na प्लस ये Cl माइनस
को ढूंढ करके और संयुक्त कर लेगा, अपने आप में मिला लेगा। हम जानते भी कि हैं धनायन जो है वो ऋणायन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। तो Na प्लस मान लीजिए हमने कि ये Cl माइनस को अट्रैक्शन कर लिया और ये दोनों मिल करके क्या करा लेते हैं, यानी Cl बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में होते, परंतु सिंपल सी बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर डिफेक्ट, यानी जब डिफेक्ट पैदा नहीं हुआ था, तो NaCl का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। परंतु आफ्टर दिस डिफेक्ट, यानी जब भी आपने ये कराया, वेपर प्रवाहित किया सोडियम को और इसको हीट किया, तो आफ्टर डिफेक्ट ये किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, ये येलो कलर का हो जाता है। अब क्यों होता है, देखिए, अब ये Cl माइनस जब इससे संयुक्त हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Cl माइनस रिक्त हो जाएगा और एक क्या होगा, एनायन की यहाँ एक क्रिस्टल बना लेगा, जालक बना लेगा। ठीक है, अब ये Na प्लस ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, इसमें पूरा विसरित होकर के वो खोजता रहता है और Cl माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेगा। और जैसे ही आकर्षित करता है, ये क्या करता है, अब यहाँ पे एनायनिक वैकेंसीज उत्पन्न हो जाती है, यानी यहाँ तो स्थान खाली हो गया ना जी, यानी Cl माइनस अपना क्रिस्टल जालक स्थान छोड़ करके Na प्लस के साथ संयुक्त होकर NaCl बना लेते हैं। अब ऐसे ही ये जो रिक्त स्थान हुआ ना, ये एफ सेंटर कहलाता है। क्या नाम देते हैं इसको, एफ सेंटर, यानी जो भी जालक स्थान खाली होता है ना, घुमावदार हो जाता है जालक टाइप का, तो ये ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते एफ सेंटर, और ये रिक्त स्थान को ही एफ सेंटर कहते हैं। और इसी एफ सेंटर के कारण ही यह NaCl येलो कलर का हो जाता है। क्लियर हुआ, तो जो चीजें मैंने बताई ना वही चीजें लिख देनी है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या, ये एक तरह का मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है ना। अब इनमें आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे बिफोर डिफेक्ट देखिए कितने Na प्लस हैं, दो दो चार दो छह दो आठ, आठ है ना, Na प्लस और Cl भी आठ होंगे, दो दो चार दो छह दो आठ। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट ये कम हो जाते हैं, है ना, यानी इनकी जो है इनकी रेशियो कम हो जाएगा धनायन और ऋणायन की, तो इसलिए ये हमें कंप्लीट होता है इसका आंसर इस तरह से। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जब होता है ना तो कलरफुल हो जाते हैं, ऐसे ही LiCl है पिंक कलर का भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यौगिक हैं, तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। जिन आयनिक ठोसों में धातु आदि के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से हमने समझा लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, थैंक्स।